उत्तराखंड के देहरादून में मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ चलते भारी बारिश और हिमपात की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बिजली गिरने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 और 3 मार्च को येलो अलर्ट और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है, वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एकाधुका जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और US नगर में भी लग रहा कि इसमें भी इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश वो मिलेगी। तो 2 को जो पीक एक्टिविटी का 2 तारीख को रहने वाला है। और जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो अगर हम 1 तारीख की रात को बात करें या 2 की सुबह तक में, तो आप ये देखेंगे कि जो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्र है उसमें बर्फबारी रहेगी, और जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उनमें जो भारी बर्फबारी जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी।